नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, धोरण 9, विषय हिंदी। आज मैं आपको गद्य 12 रानी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराना चाहती हूँ, जिसका साहित्य प्रकार संस्मरण है। लेखिका महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में हम जानें। जन्म, तो श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा। महादेवी वर्मा के शिक्षा के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। 9 वर्ष बाल्यावस्था में ही महादेवी का विवाह डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया। महादेवी का शिक्षा का क्रम टूट गया। उनके ससुर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के पक्ष में नहीं थे। जब ससुर का स्वर्गवास हो गया तो महादेवी जी पुनः शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। 1933 में महादेवी जी ने एमए संस्कृत में उत्तीर्ण किया। इस प्रकार उनका विद्यार्थी जीवन सफल रहा। पहचान, हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा अर्थात मैं नीर भरी दुख की बदरी और तुमको नीव में ढूंढा, तुमने ढूंढी पीड़ा कहने वाली सहृदय भावुक अत्यंत संवेदनशील छायावाद युग की अप्रीतम रचनाकार थी। छायावाद युग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, यानी कि कवि एक जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, रचनाकार और छायावाद के युग के जाने जाते हैं। महादेवी ने गद्य और पद्य दोनों रचनाएं लिखी है। काव्य ग्रंथ निहार, रश्मि, निर्जा, साध्य गीत, यामा, दीपशिखा, आधुनिक, कवि तथा संगीनी, इनके गद्य ग्रंथ अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़िया उनका विवेचनात्मक ग्रंथ पथ के साथी। महादेवी वर्मा को अनेक पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारतेंदु पुरस्कार तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। इस प्रकार हिंदी भाषा की एक प्रख्यात कवयित्री, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली महान महिला थी। और अंत में महादेवी वर्मा का मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयाग में हुआ था। महादेवी वर्मा रानी संस्मरण के विषय प्रवेश बारे में जाने तो महादेवी वर्मा को भोले भोले निर्दोष पशु पक्षियों के साथ गहरा लगाव था। महादेवी जी का स्नेह और प्रेम ऐसे प्राणियों के प्रति छलकता नजर आता है। प्रस्तुत संस्मरण ने एक गोड़ी का है जिसका नाम रानी है। यहाँ रानी नामक एक गोड़ी उनके दो साथी निक्की नेवला और रोजी कुतिया के साथ आई है, जिसका लेखिका ने मार्मिक और भावुकतापूर्ण शैली में चित्रांकित किया है। लेखिका को बचपन से ही रानी, निक्की और रोजी के साथ बहुत प्यार था। हम उसके प्राणी प्रेम के बारे में तो जाना, लेकिन अब इसके पाठ के सारांश द्वारा जाने कि महादेवी के बचपन के संस्मरणों के। रियासत, रियासत यानी कि राज्य, रियासत होने के कारण इंदौर में शानदार घोड़ों सवारों का आधिक्य था। वहां घोड़ों की रेस लगाई जाती थी। तब लेखिका महादेवी वर्मा
बचपन में इंदौर में रहती थी। वहां अंग्रेजों के बच्चों को गधे की सवारी करते देखकर उनको बहुत आश्चर्य होता था। अंग्रेजों के बच्चों को जब गधों पर सवारी करते थे तो उनके मन चकित हो जाता था। लेकिन रामा की कहानियों में तो राजा अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। इन्हें गधों पर बैठकर प्रसन्नता से घूमते देखकर विश्वास करना कठिन था कि इन्हें दंड मिला है। यहाँ अंग्रेजों के बच्चों को सवारी करते देखकर उसे आश्चर्य होता था। लेकिन रामा की कहानी यानी कि गाथा में जो राजा जो व्यक्ति अपराध करता है उन्हें अपराधियों को गधे पर चढ़ाकर देश निकाल देता था। लेकिन महादेवी वर्मा को यह समझ में नहीं आया कि वह गधे पर बैठते हैं तो भी वह प्रसन्नता से इतनी अच्छी तरह से कैसे घूमते हैं। मेरा मन इस मुश्किल घड़ी से गुजरता था कि उन्हें दंड मिला है, और दंड मिला है तो ऐसे वह खुश कैसे रह पाते हैं। रामा से समाधान मिला कि उन्हें विलायत में गधे पर बैठने का दंड देकर भारत भेजा गया है। कई बार उसका मन का समाधान करने के लिए रामा उसे कह देता कि इंग्लैंड में जो लोग अपराध करते हैं उसे गधे पर बिठाकर भारत भेज देते हैं। महादेवी वर्मा और घर के दूसरे बच्चों ने बाबूजी से कहा कि हमें भी घोड़ा चाहिए, हम भी घोड़ों पर सवारी करेंगे, घोड़ा पर बैठने का हमारा भी अधिकार है। तब पिताजी ने ऐसे ही पूछ लिया कि सफेद टट्टू पर बैठोगे? तो महादेवी ने कहा सफेद टट्टू तो गधा होता है, क्योंकि उसे तो रामा की वही कहानी याद आ गई कि जो गधा पर बैठता है वह तो अपराधी होता है, वह तो विदेश से निकाला गया होता है और उसे दंड प्राप्त होता है। लेकिन उस पर तो दंड पाने वाला ही बैठता है, लेकिन जो दंड प्राप्त करता है वही बैठता है। बच्चों की मांग पर रानी नाम की घोड़ी आ गई, जिसका पूरा नाम ताज रानी था। उसकी मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए छुट्टन नामक एक साइज भी रख दिया। साइज यानी कि जो मालिश तथा खिलाने पिलाने और घुमाने फिराने के लिए ध्यान रखता है वह व्यक्ति को साइज कहा जाता है। पहले तो बच्चों को ताजरानी को देखकर अच्छा न लगा, लेकिन धीरे धीरे रानी के प्रति उनकी सहानुभूति हो गई, उनके प्रति उनका लगाव हो गया। हम आगे का संस्मरण दूसरे वीडियो में देखें।